जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, घर के दरवाजे पर भूल कर भी यह तीन वस्तुएं, ये तीन चीज़ें, ये तीन बातें आप भूल कर भी ना करें, और हम अक्सर ये चीज़ें करते हैं। वो कौन सी तीन चीज़ें हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, और अगर है तभी हम सही कर सकते हैं, अभी वक्त है हमारे पास। तो इसी विषय पर हम इस वीडियो में बात करेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बहुत सकारात्मक जानकारी है, जिसे जानने के बाद कई सारी पॉजिटिविटी और कई सारी बातें आपके साथ हो सकती है। क्योंकि घर का जो दरवाज़ा होता है वो हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का द्वार होता है। क्योंकि दरवाजे से हम ही नहीं, दरवाजे से बहुत सारी चीज़ें, अदृश्य शक्तियाँ, पॉजिटिविटी सभी हमारे अंदर प्रवेश करती है। क्योंकि दरवाजे का सभी चीज़ें दरवाजे से ही तो अंदर आती है, तो वहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ें सकारात्मक करने की ज़रूरत है, और वहाँ पर कुछ भी नेगेटिविटी नहीं करना चाहिए। तो वो तीन बातें हम अक्सर कर देते हैं और ये चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। अब उससे पहले मैं एक छोटा सा आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वो इसलिए करें कि हमेशा सही और सकारात्मक जानकारी यहीं आपको मिलती है, और बिल्कुल पॉजिटिव जानकारी। कमेंट्स में आप ओम नमः शिवाय लिखें, इस बहाने हम ईश्वर का नाम ले सकेंगे, और ईश्वर का जब भी हो जाएगा ओम नमः शिवाय। और अगर अपनी कुंडली का आप एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर आएँ, अपॉइंटमेंट लें और एक सकारात्मक हल लेकर जाएं। तो अपॉइंटमेंट लेकर बात करें, शुल्क लागू है दोस्तों। अब आते हैं मुद्दे पर कि वो तीन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं रखना चाहिए। सबसे पहली बात होती है, हम किसी भी देव दर्शन पर जाते हैं माता जी के दर्शन करने, तो वहाँ से हमें चुनरी मिलती है। तो अक्सर मैंने घरों के दरवाजे पर चुनरी जो है वो लटकते हुए देखी है, और होता ऐसा है कि हम हमारी कुंडी में अटका देते हैं उसे, जहाँ पे हमारा बार बार उस दरवाजे को छूना और स्पर्श लगा रहता है। तो कोशिश, पहली चीज़ ये है कि पहली बात तो आप चुनरी अपने दरवाजे पर न लटकाएं, और अगर आपकी इच्छा है कि हाँ माँ की चुनरी होना चाहिए, तो दरवाजे में थोड़ा ऐसा स्थान जहाँ पर हम दिखे जरूर, वो हमारे माँ की चुनरी के दर्शन जरूर हो, लेकिन उसके स्पर्श ना हो। क्योंकि उसका बार बार स्पर्श होता है, हम घर में कई बार कुछ नेगेटिव कामों में के लिए भी जाते हैं, वहाँ से आते हैं, तो उसकी शुद्धता बरकरार रखने के लिए हम उसे स्पर्श ना करें। उसे ऐसी जगह हो कि जहाँ से सिर्फ वो दर्शन हो, तो घर दरवाजे के सबसे टॉप ऊपर आप उसे ऐसी जगह बांधें, ऐसी जगह कि जहाँ से हम उसको छू ना सकें, केवल देख सकें। तो पहली बात ये याद रखें। दूसरी बात, मैंने कई बार देखा है दरवाजों पर इस भगवान का नाम लिखा रहता है, वो नीचे जहाँ हमारे पैर लगते हैं, लात लगती हैं। तो कोशिश ये करें कि आप भगवान का नाम भी अपने दरवाजे पर न लिखें, लिखें तो ऐसी जगह लिखें जहाँ से वो हाथ मतलब पैर न लगे, वो नीचे की वो ऊपर ही लिखें, ये जो ईश्वर का नाम है वो भी ऊपर ही लिखें। क्योंकि बहुत सारे दरवाजों पर मैंने देखा है इस विषय को लेकर कि नाम नीचे लिख रहे हैं, कई बार कहीं भी लिख देते हैं, तो ऐसा ना करें। तीसरी बात है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि कभी भी दरवाजे के बाहर गणपति न चिपकाएं। क्योंकि गणपति जी के पीछे जो है वो दरिद्रता रहती है, तो अगर आप गणपति जी का अगर बाहर दरवाजे के एक स्टिकर चिपका दें तो पीछे ज़रूर चिपकाएं। जय श्री महा।